दोस्तों नमस्कार। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी 5 दिसंबर 2021 की लेटेस्ट टुडे न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम स्क्रीन पर हैं, यहाँ पे जो खबर है महत्वपूर्ण, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4 साल से इंतजार कर रहे स्टूडेंट 4.5 लाख स्टूडेंटों को डिग्री अभी तक नहीं मिली है, जो कि 17 यदि मैं बात करूँ 2018 और 2019 और 2020 के लिए। तो यहाँ पे जो खबरें महत्वपूर्ण हो जाती है, महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि स्नातक वाला के भी नहीं दिया गया है और पीजी वाले स्टूडेंटों को भी नहीं दिया गया। तो ये जो डिटेल्स सामने आ रही है महत्वपूर्ण हो जा रही है क्योंकि बिहार यूनिवर्सिटी इतना लापरवाही कैसे कर सकता है। इन सभी को डिग्रियाँ दे देनी चाहिए थी क्योंकि 4-4 साल इंतज़ार कराना उचित नहीं है। अगले इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर UGC ने अल्टीमेट यानी 5 बार रिमाइंडर भी भेज चुका है ताकि राज्य के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की 12,893 पद सृजित, इसमें से 7,000 से अधिक सीटें खाली रह चुकी है। तो यदि मैं बिहार यूनिवर्सिटी के बारे में बात करूं तो यहां पे चलिए मैं जूम करता हूं और उसके बाद आपको मार्किंग करके हम दिखलाते हैं, जैसा कि यहां पे देख पाएंगे। वैसे तो बिहार के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी के रिक्त पदों की संख्या, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देख पाएंगे बिहार विश्वविद्यालय का 1861 सीटें रिक्त हैं। तो इन सभी सीटों को शिक्षकों के लिए जल्द से जल्द भर देनी चाहिए थी। यदि अल्टीमेट के बारे में बात करूं, उन्होंने जो 5 बार रिमाइंडर जो भेजा था, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th और 5th यानी 5 बार रिमाइंडर भेजा जा चुका है, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी कुछ कर नहीं रही है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण हो जाती है। अगले इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे बिहार विश्वविद्यालय की ओर से जो खबर आ रही है कि स्नातक पार्ट टू की स्पेशल परीक्षाएं लिया जा रहा है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को बतलाते आ रहा हूं। तो यहां पर जो खबर हो जाती है, जैसा कि देख पाएंगे विश्वविद्यालय की ओर से केंद्र निर्धारित करने के लिए शुरुआत कर दी गई है, यानी प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है, उनमें काम स्टार्ट कर दिया गया, जो कि कहाँ कहाँ परीक्षाएँ होगी। क्योंकि जो पार्ट स्पेशल परीक्षा के बारे में बात करूं, जो पार्ट 3rd में उनका एग्ज़ाम होगा, उनके लिए पार्ट 2 जो क्लियर नहीं था इसलिए क्लियर इन्हें करवाया जा रहा है। तो ये एक अच्छी खबर है क्योंकि यूनिवर्सिटी तो साफ तौर पर मना भी कर दी थी, लेकिन स्टूडेंटों ने हल्ला हंगामा किया, उसके बावजूद यह प्रक्रिया स्टार्ट की जा रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण होती है, जैसा कि आप देख पाएंगे परीक्षार्थियों को दी जाएगी यहाँ देख पाएंगे कोडेड कापी। तो ये यहाँ भी जो डिटेल्स आ रही है सामने भी महत्वपूर्ण है, और यहाँ पे देख पा रहे हैं 35 केंद्रों पर होगी स्नातक पार्ट 3rd की परीक्षाएं, जो कि 2021 में होने जा रही है 35 केंद्रों पे। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि 18 से 21 वाले सत्र के लिए खबरें थी। तो इन सभी डिटेल्स को सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। डिग्री के लिए आवेदन कर रहे और चक्कर काट रहे स्टूडेंट, फिर भी नहीं मिल रहा है डिग्रियाँ। तो ये जो इनका बिहार यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से हो रही है। अगले इन्फॉर्मेशन आप देख पाएंगे स्नातक पार्ट 2 की विशेष परीक्षा कब से होगी, तो 18 दिसंबर से होने वाली है, जो कि यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया गया बिहार विश्वविद्यालय की ओर से, जो कि 18 दिसंबर से हो जाएगी परीक्षाएं। इसमें 15,000 से अधिक स्टूडेंट इसमें शामिल होंगे, जो कि पेंडिंग रिजल्ट वाले स्टूडेंट हैं। इसके लिए परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाएगा जल्द से जल्द। साथ ही साथ यहाँ पे देख पाएंगे 10 केंद्रों पर आयोजित तो हो सकती है, 15,000 स्टूडेंट उसमें हिस्सा लेंगे। विश्वविद्यालय की ओर से जल्द परीक्षा शेड्यूल जारी करने के लिए निर्देश दिया जा रहा है। तो हमारे साथ बन रहिएगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा कुमार ग्रुप यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।